हेलो एंड वेलकम इन्वेस्टर्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड यू आर वाचिंग मिस्टर कश्यप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसमें COVID-19 यानी कोरोना वायरस के कारण काफ़ी गिरावट दर्ज करी गई। लेकिन दोस्तों, COVID-19 के जैसे जैसे खत्म होता जा रहा है, इस शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और डेफिनेटली ये वाला शेयर आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखिएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पे मिलते रहें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों अलग अलग कंपनीज हैं, इस चीज़ के बारे में कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। फिर वहां पे अगर वो किसी प्रकार का लॉस हो जाता है फिर वो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के बोलते हैं कि सर, आपकी गाइडेंस के ऊपर हमने ये शेयर खरीदा। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ दोस्तों, जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, आपको शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना है वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कन्फर्म कर सकते हैं और बाकी आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं कि आपको कौन से शेयर के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से शेयर के अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और शुरू जानते हैं इस शेयर के बारे में। दोस्तों, आज जब मार्केट ओपन हुआ है तो इस शेयर के अंदर आप काफी अच्छी तरीके से तेजी देख सकते हैं। 8.15% की तेजी इस वाले शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। अगर आप इस शेयर को अभी बुक करना चाहते हैं तो 2337 रुपए के अंदर आप इस शेयर को बुक कर सकते हैं। आज ही अगर इस शेयर को अगर आपने जब मार्केट ओपन हुआ तो खरीद लेते तो तकरीबन 2150 रुपए के अंदर आपको ये शेयर मिल जाता। लेकिन अभी आप देखेंगे तो इस शेयर की वैल्यू कितनी हो गई है, 2337 रुपए, जो कि एक अच्छी बात है। यानी गजब की तेजी इस वाले शेयर के अंदर अभी आपको देखने को मिल रही है। थोड़ा सा कंपैरिजन करना होगा पिछले कुछ दिनों से, जैसे कि 5 दिन से हम कंपैरिजन कर लेते हैं तो 5 दिनों के अंदर देखेंगे दोस्तों, 5 से 6 दिन के अंदर आप इसको देखेंगे तो कंसिस्टेंसली एक बराबर शेयर चल रहा था। लेकिन अभी इसके अंदर एकदम गजब का उछाल इस वाले शेयर के अंदर देखने को मिल रहा है। और अगर पिछले 1 महीने की बात करी जाए तो कंसिस्टेंटली अभी भी आप देखेंगे तो प्रॉफिट के अंदर आप यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिट गेन किया होता या आपने 1 महीने पहले इस शेयर को बुक किया होता तो तकरीबन आपको 8.5% की तेजी देखने को मिलती अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर, जो कि एक अच्छी बात है। 6 महीने से भी थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे दोस्तों, यहां पे जैसा कि आपको बताया कि 6 महीने पहले से कंपैरिजन करने पे हमें पता चलता है यहाँ पे कोरोना वायरस के कारण से इस शेयर के अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। अगर बात करें अभी फिलहाल के लिए तो देखिए आप यहाँ पे COVID-19 के कारण कितनी गिरावट देखने को मिली है। ये शेयर जो मिनिमम गया था वो तकरीबन 2300 के आसपास गया था और 2300 के आसपास से कंसिस्टेंसली नीचे आता रहा और उसके बाद में अभी फिलहाल इस शेयर के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से तेजी आती हुई नज़र आ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। पिछले कुछ दिनों की नहीं बल्कि 1 साल की भी बात करना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर अगर हम 1 साल के बारे में बात करें तो 1 साल के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे 1 साल में कंप्लीट यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ और 1 साल के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे शेयर की अगर वैल्यू की बात करें, 1 साल पहले तकरीबन 3511 रुपये पे शेयर था और अभी की अगर वैल्यू की बात करें तो 2300, यानी कि थोड़ा सा तो गिरावट है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें अब ये शेयर धीरे धीरे ऊपर की ओर आता जा रहा है और डेफिनेटली ये वाले इस वाले बेंचमार्क को ख़त्म कर देगा ये आने वाले कुछ दिनों के अंदर। अब प्रिडिक्शन की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप शॉर्ट टर्म में आए तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लॉस हो जाए इस वाले शेयर के अंदर। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप यहां से प्रॉफिट गेन करेंगे इस वाले शेयर के अंदर, अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर थोड़ी सी अगर इसके अंदर डिटेल के अंदर बात करी जाए तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में अगर बात करी जाए, इसकी बैलेंस शीट के बारे में, तो बैलेंस शीट के बारे में अगर हम बात करें तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से यहां पे क्लियर हो जाए कि किस तरीके से कंपनी के ओवरड्यूज या किस तरीके से कंपनी की परफॉर्मेंस रही है। इक्विटी शेयर कैपिटल की अगर बात करिए तो 115.37 आप देख सकते हैं और उससे पहले अगर बात करें 115 अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल सेम है, कोई भी इसके अंदर फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। अगर दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस की अगर बात करी जाए तो ये भी आप देख सकते हैं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आपको कंसिस्टेंसली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों लॉन्ग टर्म बोरोइंग की अगर बात करी जाए तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्जा है और ये कर्जा देख रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग बढ़ती जा रही है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप इसको रखेंगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर तो यहां पे
थोड़े टाइम के लिए आप जरूर से आप इस पोर्टफोलियो के अंदर आपने इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखें, क्योंकि कंपनी की बोरिंग पावर तो थोड़ी सी ज़्यादा है, बोरिंग तो ज़्यादा है कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म की अगर बात करी जाए, और शॉर्ट टर्म की भी अगर बात करी जाए तो शॉर्ट टर्म के अंदर भी कंपनी के पास थोड़े से कर्जे हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि एक अच्छी बात है बहुत ही अच्छी तरीके से। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करी जाए इसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ पूरी डिटेल, ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से इस शेयर के बारे में क्लैरिटी मिले, इस शेयर के बारे में और भी अच्छी तरीके से आप कर सकें। अगर दोस्तों BSE से यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से अगर आप इस शेयर को बुक कर रहे हैं, तो यहाँ पे तकरीबन इस शेयर को 2465 रुपये में बुक कर सकते हैं। अभी 2300 का प्राइस दिखा रहा था, अभी 2400 पे जा गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कितनी तेज़ी से ये शेयर ऊपर की ओर आ रहा है, और मार्केट क्लोज होते होते हो सकता है कि ये शेयर और भी यहाँ पे अच्छी उछाल दर्ज करे। इसके अलावा दोस्तों अगर NSE से अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, तो आपको 2463 रुपये अप्रॉक्सीमेटली सेम आपको देना होगा। अगर दोनों की अगर प्रॉफिट रेशियो की अगर बात करी 5.04% BSE के अंदर, 5.04% NSE के अंदर आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करी जाए यहां पे इस तरीके से, यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल्स के बारे में अगर बात करेंगे, तो लेस एक्साइट की अगर बात करी जाए, सर्विस टैक्स एंड अदर लिवाइस की अगर बात करी जाए, तो 00 आप देखने को मिलता है। अदर इनकम्स की बात करें तो आप यहाँ पे 16.88% के आसपास देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंडेंस की अगर बात करी जाए तो 00 आपको ये देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करी जाए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी अच्छी तरीके से, तो पूरी डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। दोस्तों इसका पूरा का पूरा क्रेडिट में देना चाहूंगा मनी कंट्रोल वालों को, क्योंकि हम उन्हीं की वेबसाइट के ऊपर आकर के ये पूरी की पूरी चीजें आपको बता रहे हैं। इसी के अलावा दोस्तों अगर बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यहां पे आप देख सकते हैं पूरी की पूरी ट्रेड डिटेल क्या है इसकी, पूरी की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं, और पूरी की पूरी डिटेल्स आप जाकर के मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हैं, कोई भी शेयर बेचते हैं, उसके लिए आपको खुद भी स्टडी करना जरूरी होता है, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले सकते हैं, एडवाइजरी ले सकते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस ना हो या किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत या परेशानी आपको ना हो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन बिल्कुल समय पर मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।